अच्छा जी, नेक्स्ट हमने शुरू करना था कंपेयरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग. ठीक है, हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, उसमें हमने सब उसके ऑर्गन्स पढ़े थे, फिर हमने ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ा था. तो अब जो रेस्पिरेशन है और बर्निंग है, इसमें क्या, इसको हम कैसे इसका मुआवजना करेंगे, ये कैसे मिलती जुलती हैं, कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है ना. तो जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होती है, वो हमारे सेल्स में होती है, हमारे जिस्म जो है ना, हमारी बॉडी के कहाँ होती है, सेल्स में होती है ना. ठीक है, तो उसमें क्या मिलती है हमें, एनर्जी मिलती है. इस प्रोसेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या मिलती है हमें, एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज जो है वो किसकी ऑक्सीडेशन होती है, फूड की. ठीक है, नहीं फूड हमारे सेल्स के अंदर यूटिलाइज होता है, ठीक है, जलता है, और उससे क्या होती है, फूड बर्न होता है और एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो बर्निंग और रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस, दोनों जो प्रोसेसेस हैं इनके दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्यूल, एक फ्यूल से एनर्जी रिलीज हो रही है. देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या फ्यूल है, खुराक, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, कहाँ से, फ्यूल से, ठीक है, ईंधन से. दूसरा क्या है कि बोथ प्रोसेसेस यूज ऑक्सीजन, जो दोनों प्रोसेसेस हैं उनमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है ना रेस्पिरेशन का, उसमें भी ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. ठीक है, निकल रही है वहां से, रिलीज हो रही है मीन्स निकल रही है. ठीक है, और जलता है जब कोई चीज, लकड़ी जलती है, ठीक है, कोयला जलता है, तो उस दौरान में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है. ठीक है, और उस दौरान भी देखिए धुआं निकलता है ना वहां से, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर. ठीक हो गया, दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलती है. थर्ड क्या इसमें पॉइंट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ एनर्जी इज वेरी स्लो देन बर्निंग. देखिए बर्निंग में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा जो है वो हीट निकलती है, लेकिन हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहा है फूड की, जहाँ बर्निंग हो रही है वहां से कम एनर्जी निकल रही है. ठीक है, लेस स्लो प्रोसेस होता है ये, एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल, और इसके रेट को कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है ना, इसके रेट को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ये प्रोसेस जो है वो कम होता है. ठीक है, स्लो होता है और कम अमाउंट में इससे एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में. तो ये इसका कंपैरिजन हो गया रेस्पिरेशन का और बर्निंग का. ठीक हो गया, अगेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हमारे अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ डिजीजेस आ जाती हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में. ठीक है ना, तो कौन कौन सी है, जैसे कॉमन कोल्ड है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. जैसे देखिए हमारे वो उस पूरे ट्रैक में कोई मसला आ रहा है ना, हमारे नोज से लेके लंग्स तक, ठीक है ना, कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, कोई बीमारी बनती जा रही है, जैसे कॉमन कोल्ड है एक बीमारी है, निमोनिया है. ठीक है, निमोनिया ये भी एक क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. ठीक हो गया, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, कॉमन कोल्ड. ठीक है, जो आम नजला है उसमें क्या होता है, सम कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा एंड लंग्स कैंसर. ठीक है, ये जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, मींस कि ये बीमारियां हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई मसला आ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारियां जो है बीमारियों का सबब बनती हैं वो इन्फेक्शन. तो पहली क्या बीमारी है, कॉमन कोल्ड. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये बहुत आम सा एक हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये रेस्पिरेटरी बीमारी है. ठीक है ना, इट्स वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इसमें क्या होता है, ये वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड ना, ये वायरस से होती है, इससे होती है वायरस से. ठीक है, तो ये फिर ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है, अगर एक बंदे को हो गया आपके घर में, तो फिर क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ये उससे बाकी लोगों को भी ये उसमें भी जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, बस स्नीजिंग, कफिंग और टचिंग थिंग्स ऑफ इट्स पेशेंट्स, यानी क्या है कि छींकने से इसका जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, एक जो पेशेंट है उसके बॉडी से, तो जब दूसरे को दूसरे तक पहुंचेंगे तो उसको भी ये कॉमन कोल्ड हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा खांस रहा है वो, ठीक है, खांसने से भी, या फिर वो टच कर रहा है, उसके हाथ के साथ जर्म्स लगे, वायरसेस लगे, जब वो टच करेगा दूसरे बंदे को तो उसमें भी वो मुंतकिल हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस तरह से उसमें भी वो ये डिसऑर्डर जो है वो होना शुरू हो जाएगा. तो ये वायरल डिजीज है. ठीक है, ये बहुत जल्दी ये फैलती है. सिम्टम्स इसके क्या है, कफ, खांसी है, ठीक है, सॉर थ्रोट, थ्रोट यानी आपके गले में दर्द है, रनिंग नोज, आपका नाक बह रहा है, स्नीजिंग, आपको छींकें आ रही हैं, कंजेशन, आपको जो नाक में खून जमा होना शुरू हो जाता है जो, ठीक है, इसको कंजेशन कहते हैं. हेड, आपके सर में दर्द है, ठीक है, फीवर, बुखार है, ये सारी जो हैं वो इसकी सिम्टम्स हैं, इसके अलामात हैं कॉमन कोल्ड की. ठीक हो गया, नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट, कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा, इसका कैसे इलाज किया जाएगा, और इससे कैसे बचा जाता है, क्या हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए. देयर इज नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर इट, इसके लिए कोई मखसूस दवाई नहीं है, बट ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेजर्स. तो अब इन चीजों को जो है वो आप क्या करें, मतलब सही तरह, अच्छी तरह से इनको मुशाहिदा करें, इनको कंट्रोल में रखें, ताकि फिर आप इससे बचें. ठीक है, आप इससे बच सकें.
ठीक है, कॉमन कोल्ड्स, नंबर वन गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, आप क्या करें आराम करें, ठीक है, नंबर टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, आप लिक्विड चीजें ज्यादा लें, ठीक है, ड्रिंक आप ज्यादा पिए, ठीक है, लिक्विड्स जो वगैरह आप ज्यादा लें, उसके अलावा विजिट डॉक्टर इफ सिम्टम्स परसिस्ट, अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो बरकरार रहते हैं इसके, तो फिर आप क्या करें कि आप डॉक्टर को के पास जरूर जाएं, तो ये होगी इसकी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन। फिर नेक्स्ट क्या है, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया ये थोड़ी सी सख्त बीमारी है, दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स द लंग्स, इसमें क्या होता है कि ये लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, फेफड़ों में आपकी इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, व्हेन अ पर्सन हैज निमोनिया, जब एक पर्सन एक आदमी को निमोनिया होती है, द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स फिल्ड विद पस, तो जो लंग्स की एल्वियोलाई है छोटी छोटी बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स के अंदर, वो पस से पीप से भर जाती है, मेकिंग ब्रीदिंग पेनफुल, तो क्या होता है कि ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा, इट इज द मेन काज ऑफ डेथ, इट इज द मेन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ये पूरी दुनिया में जो बच्चों में ये ज्यादा सबब बनती है डेथ का, ठीक है ना, काज ऑफ डेथ। सिम्टम्स क्या है इसके, निमोनिया में क्या कुछ होता है, इसमें कफ होती है, खांसी होती है, ठीक है, फीवर बुखार होता है, चेस्ट पेन, आपकी चेस्ट में छाती में दर्द होता है बहुत ज्यादा, नेजल कंजेशन, कंजेशन क्या होती है कि आपके नाक से खून जो है जमा हुआ खून जो है वो आपके नाक में जो है जमना शुरू हो जाता है, मीन्स की आना शुरू होता है जमा हुआ खून आपके नाक के जरिए, लॉस ऑफ एपिटाइट, आप भूख नहीं लगती आपको, ठीक है, एपिटाइट क्या होती है भूख, भूख ना लगना, और रैपिड ब्रीदिंग, और बहुत तेजी से आप क्या करते हैं फिर सांस लेते हैं, अगर ये बीमारी होगी तो फिर सांस जो लेने का अमल है वो भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तेजी से सांस लेना शुरू करेंगे बच्चे, बच्चों में ये ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये इसकी सिम्टम्स हैं, इसके अलामात हैं। कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे इसका, कैसे हम बच सकते हैं इससे, ठीक है, विजिट डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल फॉर इट्स ट्रीटमेंट, तो अब आपको अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं अपीयर हो रहे हैं तो आप फौरन जो है वो डॉक्टर को विजिट करें, टेक प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक मेडिसिन एज और वैक्सीन, आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब देगा, जो लिखेगा, जो देगा आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन वो आप लें, ठीक है, वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स, आप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करें कि अपने हाथों को जरूर धोएं, ठीक है ना, ताकि आप जर्म्स से बच सकें, यूज अ टिश्यू और हैंडकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, आप एक टिश्यू जो है वो यूज करें या फिर आप रुमाल यूज करें जब आप खांसे हों, ठीक है, अपने मुंह के आगे आप अपनी नाक को अपने मुंह को ढांपें जब आप छींक रहे हों, जब आप खांस रहे हों, ताकि आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे तक ना पहुंच सकें, इस तरह से फिर ये जो है वो बचा जा सकता है इससे। इसके अलावा आप कीप लंग्स हेल्दी, ठीक है, ये इसके हो गई ट्रीटमेंट हो गया और इसकी प्रिवेंशन होगी निमोनिया की। आप अपने लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आपने क्या 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 करना है लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, नंबर वन स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग्स, स्मोकिंग जो है वो मेन काज है, ठीक है, जो सबसे बड़ी वजह ही लंग्स कैंसर की क्या है, स्मोकिंग है, तो इसलिए स्मोकिंग से बचा जाए, ठीक है, और जो स्मोकर हो उसके पास भी ना बैठा जाए, मींस के आपके इर्द गिर्द कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है तो आप वहां से भी उठ जाए, उसका स्मोक भी आप इनहेल ना करें, वो भी आप अपने अंदर ना जाने दें। नंबर टू एक्सरसाइज आर गुड फॉर लंग्स, तो जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे उतने हमारे लंग्स हेल्दी रहेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा उनमें जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होगा और फिर उनको जो है वो अच्छा काम करेंगे। नंबर थ्री द विटामिंस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप लंग्स हेल्दी, उसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं वेजिटेबल्स खाएं वो हमारे लंग्स को हेल्दी रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो विटामिंस हैं वो हमारे लंग्स को हेल्दी रखेंगे। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स कंटेन सच केमिकल्स, उसके अलावा जो लीफी जो सब्ज पत्तों पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, ठीक है ना, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो हमारे लंग्स के लिए अच्छे होते हैं, हमारे लंग्स को जो है वो फ्रेश रखते हैं, ठीक है, लंग्स को जो है वो अच्छी प्रॉपरली लंग्स वर्क करते हैं, यानी ऐसे विटामिन उनको देती हैं ये सब्जियां, ठीक है ना। तो हम लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये हम एक तो यह कि स्मोकिंग ना की जाए, स्मोकिंग स्मोकर्स जो है उनके पास ना बैठा जाए, दूसरा यह कि लंग्स को जो है वो एक्सरसाइज की जाए लंग्स के लिए, को साफ रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, फिर उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाए जाएं, उसके अलावा जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो भी ज्यादा ज्यादा खाई जाएं, ठीक है, तो इससे हमारे जो है वो लंग्स क्या होंगे हेल्दी रहेंगे, ठीक हो गया। तो जी तो ये चैप्टर जो है वो हमारा कम्प्लीट हो गया, ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं।
ये क्वेश्चंस तो सारे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। कंपेयर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये आज हमने कंपैरिजन अभी जो हमने पढ़ा है ना रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में, ठीक है ना। ये कंपैरिजन आपने इसी तरह से कंपैरिजन लिखना है, होमवर्क करना है। ये देखें ये वाला, ठीक है, कंपैरिजन कंपेयरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, ठीक है। तो बोथ प्रोसेसेस ड्यूरिंग बोथ प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फ्यूल, बोथ प्रोसेस यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ एनर्जी वेरी स्लो देन बर्निंग एंड इट स्टेट कैन बी कंट्रोल, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया इसका। और एक लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू कीप लंग्स हेल्दी। तो अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आप कौन से मेजर्स करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से कीप्स लंग हेल्दी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो व्हाट मेजर्स आर टेकन टू कीप लंग्स हेल्दी। तो ये जो तीन मेजर्स इसमें आप कर ले, ठीक है। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग्स, सो अवॉइड स्मोकिंग हेडिंग देके आपने लिखना है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर लंग्स, एक्सरसाइजेस जो हैं वो लंग्स के लिए को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छी हैं, वो करनी चाहिए। विटामिन्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप लंग्स हेल्दी, ठीक है। ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग भी। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी ब्लैंक्स कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बॉडी नीड्स फूड एंड एनर्जी टू मूव ग्रो एंड स्टे डैश। बॉडी जो है उसको फूड की जरूरत होती है और एनर्जी की जरूरत होती है, किस लिए? मूव करने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, एंड टू स्टे डैश, और किसके लिए? आप लोगों ने पढ़ा है ना, किसके लिए? एंड स्टे हेल्दी मींस के सेहतमंद रहने के लिए, ठीक है, टू स्टे हेल्दी। सेकंड ब्लैंक है, द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन द लॉन्ग ट्यूब कॉर्न। डाइजेशन प्रोसेस एक लंबी ट्यूब में होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ALIMENTARY कैनाल, CNAL, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसको, ठीक हो गया। थर्ड है, द च्यूड फूड इज पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू द डैश। कि च्यूड फूड माउथ से कहाँ जाता है? इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स में जाता है, PHARYNX, फेरिंग्स, ठीक है। थर्ड, द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड एंड इज कॉल्ड डैश। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है सॉलिड बन जाते हैं और उसको क्या कहते हैं? फीसिस कहते हैं उसको, ठीक है, FECES, फीसिस, ठीक है, FECES, फीसिस, ठीक हो गया। फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ है, व्हेन द फूड इज अनसुटेबल इन सम वे, जब फूड आपका अनसुटेबल हो, डैश इज हैपेंड, तो क्या हो जाता है उस वक्त? फिर इसमें लिखे आप डाइजेस्टिव, DIGESTIVE, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, DISORDER, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज हैपेंड। सिक्स, आफ्टर स्टोमेक फूड इज पास्ड ऑन टू द डैश। स्टोमेक के बाद फूड कहाँ जाता है आगे? स्टोमेक के बाद क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ठीक है, ये स्मॉल SMALL स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन, ठीक हो गया। सेवेंथ है, डैश इज पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। अब क्या चीज, वो कौन सा डिसऑर्डर आपने पढ़ा था जिसमें लिक्विड जो है वो आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है? डायरिया, ठीक है, DIARRHOEA, ठीक है, डायरिया, डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। एट है, डैश कैन बी फैटल इन केस ऑफ सीवियर डैश। क्या चीज मोहलिक साबित हो सकती है, यानी अगर वो शरीर हो जाती है तो? क्या? डायरिया ही, ठीक है, मोहलिक साबित होता है जब वो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, उसमें पानी निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। आप लिखेंगे डायरिया, इसमें डायरिया ही लिखें, DIARRHOEA, ठीक है, डायरिया कैन बी फैटल, ठीक है, वो फैटल हो सकता है इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। फिर आगे लिखें डिहाइड्रेशन, DEHYDRA,
आर ए टी आई ओ एन, टी आई ओ, ठीक है, डिहाइड्रेशन. क्या हो गया? नाइन्थ है कॉन्स्टिपेशन इज कॉज बाय टेकिंग फूड लो इन डैश. कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होती है वो किस वजह से होती है? आपकी खुराक में क्या चीज कम होती है? फाइबर कम होता है, ठीक है, फाइबर, एफ आई बी आर ई. ठीक हो गया. आगे आपके आ रहे हैं सर्कल द राइट आंसर आंसर्स. यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया? यस टीचर. यस टीचर. आगे आ रहा है आपके सर्कल द राइट आंसर. ठीक है, आपके पास फोर ऑप्शंस हैं. ठीक है, हर एक क्वेश्चन के फोर ऑप्शंस हैं, आपने ट्रू वाले को सर्कल करना है. ठीक हो गया. फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग. अच्छा जी, सर्कल द राइट आंसर. द फर्स्ट वन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड. अब जो फूड को चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म में उसको क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं या एब्जॉर्प्शन कहते हैं? क्या कहते हैं? डाइजेशन. ठीक है, आपने सी वाले को क्या करना है? इनसर्कल करना है. ठीक है, डाइजेशन. फिर द डाइजेशन, सेकंड क्वेश्चन है द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से या पैंक्रियास से? माउथ से स्टार्ट हो रहा है ना. ठीक है, मुंह से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ए वाला आपने आंसर करना. थर्ड है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द डैश. एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? रेक्टम, एनस, कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन? एनस. ठीक है, बी. ठीक है, बी वाला आपने आंसर करना है. फोर्थ क्वेश्चन है द टंग पुशेस द फूड टू द बैक ऑफ माउथ कॉल्ड. टंग हमारी जो जुबान है वो फूड को पीछे की तरफ लेके जाती है ना, मुंह के पिछली साइड पे, उसको क्या कहते हैं? एसोफेगस, लैरिंक्स, एलिमेंट्री कैनाल या फेरिंक्स? फेरिंक्स कहते हैं. ठीक है, माउथ से पीछे वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है? फेरिंक्स. डी वाला आपका ऑप्शन जो है उसमें आपने सर्कल करना है. ठीक है, फेरिंक्स. अच्छा जी, फिफ्थ हो गया स्टोमिक इज अ लार्ज डैश मस्कुलर बैग. स्टोमिक किस तरह का मस्कुलर बैग था? एस शेप था, जे शेप था, एल शेप था या सी शेप था? जे शेप था ना. ठीक है, बी वाला आप इसको सर्कल करें. ठीक है, जे शेप. द सिक्स हो गया द लिवर, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर द सपोर्टर्स ऑफ विच सिस्टम. ये जो लिवर है, पेंक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है, कौन से सिस्टम के सपोर्टर्स हैं? ये यानी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं या सर्कुलेटरी में? किस में करते हैं? डाइजेशन में करते हैं ना, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था. तो ए वाला आपने क्या करना, इसको आंसर करना है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सेवंथ है विच इज द मदर ऑफ डिजीजेस. ठीक है, कौन सी है मदर ऑफ डिजीजेस? यानी कौन सी बीमारी है इसमें से? डायरिया, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, इनमें से कौन सी जो है जिसको तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है? वो कॉन्स्टिपेशन को कहा जाता है. ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपने इसमें सर्कल करना है. ठीक है, सेवंथ का डी सी वाला ऑप्शन, कॉन्स्टिपेशन. एट्थ क्वेश्चन है विच गैस इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी बॉडी सेल. कौन सी गैस जो है जरूरत होती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए? ऑक्सीजन जरूरत होती है. ठीक है, कौन सी होती है? ऑक्सीजन. द बॉडी पार्ट्स यूज्ड इन द ब्रीदिंग प्रोसेस फॉर्म्स द डैश सिस्टम. जो जिस्म के हिस्से जो ब्रीदिंग में इस्तेमाल होते हैं वो कौन सा सिस्टम?